जबर क्षेत्र में बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों की ओर से मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जाहिर की गई, तो पुलिस ने मृतक बीजेपी नेता के शव का पोस्टमार्टम कराया है। वही घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि थाना वेबर क्षेत्र के ग्राम नगला देवी निवासी बीजेपी नेता प्रदीप कुमार पुत्र राम बाबू कठेरिया, जो कि वंचित अनुसूचित जाति समिति के प्रदेश महासचिव थे, इनके घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। परिजनों की ओर से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बीजेपी नेता की मौत का कारण जानने के लिए सबका पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो परिजनों की सहमति पर पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लिया गया और सबका पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का हाल बेहाल है। पोस्टमार्टम हाउस पर रोते बिलखते परिजन दिखाई दिए। विनीश कुमार, विनीश, ये मृतक है कौन है आपके? हमारे मामा जी के लड़के हैं। मामा जी के लड़के हैं। कैसे, क्या पूरी घटना हुई? इनकी अकस्मात मृत्यु हुई है। घर पे ये सो रहे थे तो बच्चे बाहर गए थे स्कूल पे, कोई घर पे था नहीं, तो बच्चों ने जगाया आके तो इनकी मृत्यु मिली। अच्छा, कब की घटना है ये? कल सुबह ऐसे ही है, 3 बजे के टाइम की, कल दोपहर की। हाँ। अच्छा, पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं? पोस्टमार्टम क्या, किसी ने 112 पे कॉल कर दी है, उस वजह से पुलिस वाले पहुँच गए, वो लेके आ गए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हत्या की है। हाँ। कहाँ के रहने वाले थे ये? देवी नगला बेवर।